नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, पूरे घर में धुआं धुआं सा लग रहा है। ये हो रहा है इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए बनाए थे पराठे नाश्ते में नहीं, स्कूल के लंच के लिए। और अब बच्चों का हो गया है स्कूल जाने का टाइम, तो तीनों बच्चे हैं रेडी। बैग उठा लो अपने अपने और मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए। पहले जाना पड़ता था आगे बहुत दूर, अब वो यहीं पे ही आने लगे, गली के सामने ही। आप ही चले जाते हैं? मित्र तैयार हो फटाफट। देखो वो बीजू का तो छोड़ दिया। क्या आज तो मैंने चाय भी नहीं पी, दो बार बना लिए दोनों में से, एक बार भी मेरे पे चाय नहीं पी गई अब तक भी। तो जी मैं चलती हूँ बच्चों को लेके। आओ बच्चों, पियो, आओ बेटे। आ रही, चलो। ओहो चलो। प्रेम लाओ, चलो जी जल्दी हूँ बच्चों को लेके। और अब ना बस नमस्ते अंकल जी, ठीक हो अंकल जी? अब पेपर आ गए बच्चों के, तो ज्यादा नहीं स्कूल जाना, एक आधे दिन का मुझे लगे और जाना, क्योंकि 1 तारीख से फिर इनके पेपर है, तो आज होगी 26 तारीख। क्या हुआ बेटे, मुझे खोल क्यों रही इन्हें? तो पूरे क्यों खोल ले बेटे? क्रिसमस में नहीं जा रहे। चलो उधर से आने वाली गाड़ी बाबू, चलो। तो बस 1-2 दिन की बात हो रहा है, फिर तो बच्चों के एग्जाम है ही, फिर तो एग्जाम वाले ही दिन जाना है इनको 1 तारीख से। चलिए इस दिन पे बात, इधर आ जा, कहाँ झाड़ों में घूम रहा। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, अब मैं जाऊंगी घर, पहले पीऊंगी चाय और उसके बाद जो भी फैला पड़ा है घर में उसको सारे को समेटूंगी, क्योंकि कल चले गए थे तो जो बाद के काम थे वो बाद में रह ही गए और हालत हो रही है खराब। तो खैर कोई बात नहीं, अभी 8:30 हो रहे हैं, सुनीता आएगी 9:30 तक, तो 1 घंटा, 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है काम। आए वो तो चला गया स्कूल, जो खेल रहा है तुम्हारे साथ। अभी मैं रोटी लेके आ रही हूँ ऊपर से। अंदर नहीं बाहर ही जाओ, अंकल गुस्सा करेंगे। तो जी चाय वगैरह पी के पियो के रेडी को भेज के और फिर लगेंगे काम पे अपने, कमर कस के, क्योंकि साफ सफाई वगैरह है थोड़ी, और भी जो 2 छोटे मोटे से काम है वो भी करने। और आज हमें है एक बहुत जरूरी काम, अभी यूँ नहीं पता कि वो होगा नहीं होगा। हे भगवान, आप तो कह रहे थे मैं तो नहा रहा धो रहा तैयार हो रहा, यहाँ जाइवा पड़ेगा कौन सा स्नान हो रहा। इनके तो फोन उन्होंने दुखी कर रखा। चलिए जी, सांस चढ़ गया मुझे बोलते हुए रखते हुए, तो चाय पी लूँ फिर लगते हैं काम पे, फिर मिलती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे पीयू के डैडी करने लगे थे मालिश मेरे बालों में, असल में मुझे धोने थे बाल, तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मालिश कर दो। बोल क्या रही थी, क्योंकि मेरे पे ना खुद नहीं अपने बालों में मालिश होती है अच्छे से, तो फिर मैं नहीं बोल रही थी। अपने आप तो मेरे पे तेल भी नहीं लगता ढंग से, बस ये है कि हो जाता है थोड़ा सा। तो खैर यहाँ पे ये करने लगे थे मालिश, फिर ये मुझे कहने लगे कि सिर में तेरे ना खुश्की हो रही है बहुत ज़्यादा, फ्रांस बोलते हैं जिसको डैंड्रफ, कि नींबू है तो नींबू ला के दे दे, वो लगा दूंगा। तो फिर मैं इनको यहाँ पे लेके आ रही थी नींबू देने, और इन्होंने क्या किया कि पहले तो तेल लगा दिया मेरे बालों में। अगर वैसे तो क्या करते हैं कि तेल में मिक्स करके नींबू को तब लगाते हैं, तो क्योंकि तेल इन्होंने पहले लगा दिया था, उसके बाद यहाँ पे ये नींबू ही मेरे बालों में निचोड़ रहे। और नींबू ना एकदम से कई जगह इतनी जोर से लगा जैसे नमक मिर्च नहीं लग जाती, क्योंकि खारिश होती थी सर में, तो खारिश करते हैं ना, तो कई बार हो जाता है कि कहीं ज़्यादा खारिश होगी तो वहाँ पे जख्म सा हो जाता है कुछ, तो वो बहुत लग रहा था मेरा। तो मैं इन्हें कह भी रही थी, मैंने कहा पियो के डैडी बहुत ज़्यादा लग रहा मेरा, बस वो यही कहते कि लगेगा तो है ही। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बालिश वगैरह करके पियो के डैडी को मैंने खाना वगैरह नाश्ता वगैरह दिया बना के, क्योंकि इनको बुटीक पे जाना था और मुझे करनी थी अपनी बाकी की साफ सफाई वगैरह, तो बस वो मैंने की थी। फिर तो यहाँ पे बस मतलब काम निपटा के फिर मैंने अपने बाल वगैरह धोए, अपने जो काम थे वो किए, और इस दिन हमें कहीं जाना था तो वहाँ पे फिर हम लोग गए थे, कुछ ज़रूरी काम था तो वहाँ पे जाना था, तो इसीलिए फिर वहाँ पे पूरा ही दिन लग गया हमारा जाके, काम था थोड़ा सा कुछ, तो फिर आगे का वीडियो नहीं शूट हो पाया कुछ भी। तो फिर बस यहाँ पे आज के दिन अगले दिन का वीडियो है आज के दिन, क्योंकि पूरा नहीं शूट हो पाया कुछ भी, तो यहाँ पे अगले दिन सुबह के सारे काम करके नहा धो के मैंने लगा रखी थी मशीन। सुनीता कपड़े नहीं धुलती, मैंने बताया भी था,
तो वो झाड़ू पोछा और कपड़े बर्तन करती है, लेकिन ये है कि जैसा मेरी हेल्प वो करवा देती है कि मैं निचोड़ रही थी ना कपड़े, तो वो आके खड़ी थी इधर, कहने लगी फिर कि दीदी मैं निचोड़वा दूं। मैंने कहा देख ले भाई तेरा टाइम है, क्योंकि उसको भी फिर जाना होता है। तो फिर वो कहने लगी कि नहीं दीदी इतना तो मैं करवा दूंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे फिर धोए तो गए थे सारे, मैं तो ज्यादातर यही करती हूँ कि कपड़े सारे धुल के फिर मैं निचोड़ती हूँ, तो मतलब सारे जल्दी जल्दी निचोड़ जाते हैं। तो फिर वो उन्हें चढ़वा रही थी, तो फिर दोनों ने जल्दी हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं दोनों, और वो इसके बाद रुक भी यूं रही थी कि उसे मेरे बाल बांध रहे थे, तो उसे बड़ा शौक है मेरे बाल बांधने का, लेकिन गुस्सा इस चीज से करती है कि मैं उसे मतलब अलग बालों में ज्यादा कुछ करने नहीं देती, उसका बस चले तो वो अलग अलग हेयर स्टाइल बना के बैठ जाए मेरे, लेकिन मैं उसे ज्यादा नहीं करने देती, बस वो जो फ्रंट वाली जो चोटियां होती है वही मैं करवाती हूँ, वही मुझे अच्छी भी लगती है, तो वो उन्हें ही करके जाती है। तो और बात भी जो दो चार उसे पूछनी टोकनी होती है वो हो जाती है, क्योंकि फिर तो वो अपने काम पे लग जाती है, शाम को आती है, कई बार नहीं भी आती, क्योंकि ज्यादातर तो ऐसा होता है कि मैं ही उस टाइम पे घर में नहीं होती। कुछ चीजें मैंने पहले भी बताया था कि कुछ चीजें प्रोग्रेस पे हैं, तो उन्हीं के ही लिए भागे फिर रहे हैं, मैं भी करती हूँ अपनी तरफ से, पियो के डैडी भी। बस ये है कि हम वो चीज दिखाते नहीं कि हाँ भाई हम कहाँ घूम रहे या कैसे परेशान हो रहे या क्या, तो पता ही नहीं लगता किसी को कि हाँ भाई हम भी परेशान होते हैं, क्योंकि हमने भी ये चीज सोच ली है कि हम अपनी जो परेशानी है या दुख तकलीफ है वो मतलब यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, जो अच्छी चीजें हैं खुशी है या कुछ भी वो हम शेयर करेंगे। तो उसमें शायद ये लगता है ज्यादातर को कि शायद हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, ये तो मतलब खर्च करते हैं खुश होते हैं ये है वो है, तो इसीलिए बस शायद। पर कोई बात नहीं जी, हमारा काम है कि अपने दुख तकलीफ अपने ही है, खुशियां सबके साथ बांटिए, दुख तो अपने अपने ही रहेंगे, खुशियां डबल हो जाती है बांटने से। तो वही हम लोग करते हैं कि हाँ भाई अगर हम कहीं घूमने गए या हम अपने घर में कुछ वैसे कर रहे हैं, नहीं तो अभी वीडियो नहीं आया, और मैं जानती हूँ कि भाई मेरी हेल्थ इश्यूज क्या क्या है मुझे पता है, मैं वीडियो नहीं डालती बीच में ना, मैं बनाती तबीयत खराब की कुछ भी। और वही दिक्कत मैंने पहले भी बताई थी कि वीडियो इसीलिए नहीं आते क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो पीयू के डैडी सो को एडिटिंग वगैरह नहीं आती, मेरे में इतना होता नहीं कि मैं कर लूँ, बस मेरा उस टाइम पे यही रहता है कि मैं अपने घर के काम धाम जो है खाना वगैरह वो कर लूँ, वही बहुत है, यही वजह है कि मेरे वीडियो नहीं आ पाते, नहीं तो भाई किसको अपना काम खराब होता अच्छा लगेगा, वीडियो नहीं जा रहे हैं तो उसमें मेरा ही काम खराब हो रहा, मेरा ही नुकसान हो रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जानबूझ के अपना नुकसान करवाएगा कि नहीं भाई चलो कर लो, या आलस की वजह से तबीयत नहीं ठीक रहती इस वजह से, नहीं तो आप पूछ के देखिए कि कितनी तकलीफ में है, बस ये है कि सामने हम खुश रहते हैं, तो इसीलिए कभी ये होता ही नहीं कि भाई हम लोगों को भी तकलीफ होती होगी, समझने वाला होता है जो वो तो समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझना होता उनको तो चाहे कहना अंदर का निकाल के भी सामने रख दो तब भी नहीं होगा। तो जी काम निपट गया मेरा सारा, टाइम 12 ही बज गए, बता होते 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 टाइम हो ही जा, तो जी काम निपट गया, थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। मैं बनाऊंगी अब अपने लिए चाय, आज ना पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है जैसे सर में ना ठंड सी घुस गई, पता नहीं सुबह ही ना हवा चल रही थी बहुत, सुबह क्या अभी भी चली रही, तो ऐसा हो रहा जैसे सर में दर्द सा महसूस हो रहा, हो भी नहीं रहा और हो भी रहा तो समझ में नहीं आ रहा। तो खैर चलिए पहले चाय बना लेती हूँ मैं और फिर देखती हूँ और क्या क्या काम है। तो दोस्तों दोपहर का टाइम है और मैं पहुंच गया हूँ, अभी अभी आया हूँ, पीहू को भी लेके आया था क्योंकि पीहू रात उधर ही थी, और यहाँ पे खाना बन रहा है, आज भूख लगी है बड़ी ज़बरदस्त वाली, और यहाँ पे लाल लाल सब्जी से क्या है, लाल लाल सब्जी से क्या है ये, और खाने में यहाँ पे बने हैं आलू की सब्जी, मम्मी की रेसिपी है हाँ ये वाली ना, अगर इसको ना हम अगर इसको पकाए ना हम और ज्यादा थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, फिर आलू जो पूरियां होती है ना उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है ये। पूरी बना दो क्या? ना बस रोटी रोटी बना दे, तो पूरियां तो फिर आजकल नुकसान देती है, वैसे ही गले खराब हो रहे हैं सारों के सारों के, बच्चे जा लिए हैं नीचे खेलने, आते ही सबसे पहले उन्होंने तो दौड़ लगा दी थी, असल में बाहर खेलने का मिल गया ना बच्चों को, अब यहाँ यूं भी नहीं है, तो रोड ही पर यूं नहीं है ना कि कोई आ रहा जा रहा है कुछ भी, तो ओपन रोड है, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब घर बनाएंगे ना 2-4 बीघे का तो ग्राउंड ग्राउंड बनाएंगे खेतों के बीच में घर बनाओ और टेंशन खत्म ग्राउंड की, तो मीडियम फैमिली जो होती है ना मतलब सोचते सोचते ही ऊपर निकाल दे
सोच सोच के सोच सोच के इतना लंबा टाइम निकाल देती है, फिर बाद में लास्ट में ये सोचती है अब रहेगा क्या। जी कई बार तो अपने मकान के नक्शे बना लिए, फिर हमें पसंद नहीं आए, फिर हमने रिजेक्ट कर दिए। पर कोई बात नहीं, ऊपर वाले को बना के दिया है एक नक्शा बंदे, अगर वो ठीक है तो मैंने कह रहे हैं देखेंगे आगे, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर रिजेक्ट कर देंगे। चलो जी खैर, आप लोगों की दुआई रहेंगी तो ये भी जल्दी सपना हमारा पूरा होगा। सपना ही है हमारे लिए तो अभी तो। कोई बात नहीं, जीवन में ना मैंने एक चीज नोटिस करी, मैं कह रहे क्या बोल रहे उन्हें प्रेमानंद जी महाराज, कह रहे जो तुम्हारे पास है ना उसमें खुश रहो, क्योंकि बहुत सारों के पास वो भी नहीं है। अगर तुम्हारे किस्मत में वह चीज है तो ऊपर वाला बिना मांगे दे देगा। जो चीज नहीं है, जितने मर्जी नाक रगड़ो जाओ, सिर मारो जाओ दीवारों में, वह नहीं है किस्मत में तो नहीं है। तो इसीलिए अपना कुछ चाहिए अपने भगवान को बताओ कि भगवान ये चाहिए, वो हमारी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो समझ लो कि भगवान नहीं चाहता वह चीज हमें मिले। और जितना हम ज्यादा दौड़ते हैं ना किसी चीज के पीछे, सही ना प्रेमानंद जी भगवान उनकी ना अचानक से ही आवे हुए आगे मेरे, तो जब भी मैं ना कोई चीज दिमाग में घुसी रहे ऑटोमेटिकली ऐसी कृपा है भगवान जी की, उसी चीज से रिलेटेड पता नहीं प्रेमानंद जी महाराज को पता लग जाएगा क्या क्या इस परेशानी से चिंतित है, उसी ही चीज का ऑटोमेटिक। अभी मैं कुछ दिन पहले बहुत परेशान होते हैं आपको भी पता कि मैं उल्टी सीधी बातों की वजह, वे कहने लगे उसमें एकदम सही आया, कह रहे क्यों परेशान हो ना, वो उसकी सोच है, वो उसकी शब्द है, वो उसे गंदा कर रहे, आपको थोड़ा ही ना है। फिर मेरी समझ में आया कि सही कह रहे। चलो जी खैर, ये फोनों का जितना नुकसान है फायदा भी इनका बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो अब मैं खा लेता हूँ फटाफट से खाना, और खाना खाते ही फिर दौड़ना है, आजकल काम को हो नहीं पा रहा क्योंकि बाहर के काम इतने निकल रहे ना मेरे बहुत ज्यादा, बच्चों की फीस भी रहेगी मेरी तो जमा होनी, आज भी दिक्कत, आज भी नहीं हो पाई, कल करेंगे, कल पक्का जाना। तो जी देखिए, शाम का टाइम हो गया था, बच्चे चले गए थे ट्यूशन और मैं अपने काम कर ही रही थी, शाम की मैं लगा रही थी झाड़ू, उसके बाद फिर मुझे करने थे कपड़े वगैरह तय, क्योंकि वो रखे थे और मैं कहा चलो साथ के साथ हो जाएंगे तो नहीं तो फिर फैले रहेंगे, तो इसीलिए कोशिश रहती है कि साथ के साथ ही। और ये भी एक दिक्कत ही है कि बच्चे ट्यूशन भी, ये भी चीज़ बहुत मुझे सुनने को मिलती है कि भाई बच्चे भी उधर ही जानबूझ के ट्यूशन में लगा दिए, पति भी उधर ही काम करता है, स्कूल भी ये वो फलाना ढिमका। तो जी अपनी तरफ से कोई भी काम ऐसे नहीं करता कि उसे दिक्कत हो, और दिक्कत में कौन रहना चाहता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। हाँ ये मेरी किस्मत ख़राब है, ये मान लीजिए आपकी कुछ भी करने की सोचे तो उसका उल्टा ही होता है कि हाँ भाई हमने बच्चों को लगाया था कि चलो पढ़ लेंगे, अब उसका भी ये हो गया कि हाँ ये तो वहीं पढ़े रहते हैं या कुछ भी, तो वो मेरी शायद किस्मत ही ऐसी है कि हम अगर अच्छा भी करना चाहे अपने लिए करना चाहे या किसी और के लिए, लेकिन जो बुराई है किस्मत में तो वो बुराई मिलेगी ही। तो खैर कोई बात नहीं जी, जो मेरे काम है मैं तो अपने करूँगी, अपने बच्चों को देख के अपने घर को देख के जो भी सही लगेगा, खर्च करना हुआ खर्च भी होगा, बच्चों को जहाँ भेजना होगा पढ़ने के लिए वहाँ भी भेजा जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। अब मैं सबको खुश रखने के लिए ये तो है नहीं कि भाई अपने घर में लड़ाई करूँगी या अपने घर में मतलब क्लेश करेंगे या कुछ भी, तो जिनको समझना है वो समझिए, जिनको नहीं समझना वो मत समझिए। मैं तो सच में कई बार ना मन टूट जाता है, आप लोग कहते होंगे कि हाँ भाई ये कहती है कि मतलब जिक्र करती है इन चीज़ों का, और मैं मतलब कई बार ना जी मन इतना टूट जाता है कि क्या करे, बस ये है कि अब तो बिल्कुल गांठ बांध ली है बात मैंने कि भाई जिसको जो बोलना बोलो, हमारा तो जैसे काम चलेगा वैसे हम चलाएंगे, किराए पे रह के चलेगा, अपने घर में रह के चलेगा, खर्च करके चलेगा, बचा के चलेगा, यहाँ रह के वहाँ रह के जहाँ रह के जो भी जिस हाल में जो होगा हम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि देख लिया हमने कि अगर किसी के हिसाब से भी काम करते हैं ना तो भी बुराई ही मिलती है, तो हम अपने हिसाब से करेंगे, जहाँ जिसको जो लगना है वो लगता रहे, अब नहीं फर्क पड़ने का बिल्कुल भी। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी की कई बातों का अपने ऊपर कोई असर नहीं होने देना है मुझे, क्योंकि इस बात का सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ता है, मेरी फैमिली के ऊपर पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी होती है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती और सीधी मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो उसका नुकसान मुझे ही हो रहा है, मेरे बच्चों को हो रहा है या मेरे काम को हो रहा है, तो अब नहीं वो चीज़ें होने देनी मुझे। तो जी खैर, अब ये शाम का ही टाइम हो रहा था, अपने कपड़े वगैरह तय करके झाड़ू वगैरह लगा के यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय, दूध आ गया था शाम का, तो बस मैं चाय पीऊँगी, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने रात के खाने में। तो जी बस वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और एक रिक्वेस्ट और है छोटी सी कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए
क्योंकि अपने जीवन में कितनी तकलीफें हैं किसी के या कुछ भी है वो आप नहीं जानते। पता नहीं कौन किस तरीके से करके अपने काम कर रहा है, चला रहा है, खुश रह रहा है। वही कहते हैं कि रोने को तो पूरा दिन भी थोड़ा है, खुशी से अपना थोड़ा सा टाइम भी निकाल देना तो वो भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज किसी को कुछ भी बोलने कहने से पहले उसकी स्थिति को समझे। सभी के लिए है ये, मैं अपने लिए ही नहीं कह रही, सबके लिए है। तो शायद आपका भी और दूसरों का भी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद।